मियां साहब को भी अमेरिका से धमकियां आती थी, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से मियां साहब कंपनी का मैसेज समझकर डिलीट कर देते थे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। आटा 35 रुपए किलो था, ठीक है समझ गया। पेट्रोल 65 रुपए किलो था, क्या नहीं बोला तूने? पेट्रोल 65 रुपए किलो था। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम बिग इन्फो टीवी के मुअज्जिज़ नाज़रीन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवाज और शहबाज के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं ये दोनों भाई मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियात हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के कुछ ऐसे फनी क्लिप्स दिखाने वाले हैं जिन्हें आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। अभी मजा आएगा ना वीडियो, और यकीनन वीडियो देखने के फौरन बाद आप बोलेंगे मजा आया। तो सबसे पहले आप अपने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ये वीडियो देखें, जिसमें वो बता रहे हैं कि जब मैं किसी दूसरे दोस्त ममालिक मुल्क में जाता हूं तो वहां पर मुझे बहुत प्यार से मिलते हैं, लेकिन जब मेरी नज़र उनके चेहरों पर पड़ती है तो मुझे वाजे लिखा हुआ नजर आता है कि आ गए वो शहबाज शरीफ दोबारा से मांगने। और जब मैं जाता हूँ दोस्त और बरादर ममालिक के पास, उनके सरबरान बड़े पुरतपाक से मिलते हैं, लेकिन मैं उनके चेहरे देख रहा होता हूँ कि वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ आ गए हो फिर मांगने हमसे। तो चलिए अब हम आपको मिलाते हैं आपके अपने साबिक से भी साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, जो कि एक जलसे से खिताब कर रहे हैं। आज तक हमने ये सुना था कि इन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन आज तो इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि इनको मैथ जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आती। अगर यकीन नहीं आता तो आप ये वीडियो देख लें। 1990 से लेकर आज तक कितने साल हो गए, जरा हिसाब आता है या हिसाब में कमजोर, कितने साल हो गए? 23 साल। अब आप नवाज शरीफ साहब की ये वीडियो देखें, जिसमें वो जलसे के दौरान लाइव खिताब में अवाम से जबरदस्ती अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। एक मिनट सुन ले, मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बड़े लोगों पर यकीनन आपने फूल बरसते देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आप बड़े लोगों पर जूते बरसते देखेंगे। ये तो यकीनन आप भी जानते होंगे कि सियासत करना किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है। अब यहाँ पर इन लोगों का सियासत कर करके ना दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है। अब आप नवाज शरीफ साहब की ये वीडियो ही देख लें, जिसमें वो दर्जन वाली चीज को किलो में बेच रहे हैं और किलो वाली चीज को दर्जन में बेच रहे हैं। डॉलर 105 रुपए था, अच्छा चीनी 50 रुपए थी, ठीक है आटा 35 रुपए किलो था, ठीक है समझ गया। पेट्रोल 65 रुपए किलो था, क्या नहीं बोला तूने? पेट्रोल 65 रुपए किलो था। अब आप शहबाज शरीफ साहब की ये वीडियो देखें, जिसमें वो जोर जोर से बोल रहे हैं कि मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। अब ये बंदा बता रहा है कि कोमे ऐसे जिंदा नहीं रहती। यकीन करे कोमे जिंदा रहे ना रहे, लेकिन इसके सामने जो टेबल रखी है ना, मुझे यकीन नहीं कि वो बच जाएगी। अब आप इस बंदे की हरकतें चेक करें। कौमें इस तरह जिंदा रह सकती हैं? कौमें जिंदा रहती हैं, वो लड़ती हैं, मरती हैं, मेहनत करती हैं, ध्यान पे काम देती हैं, आगे। अब ये बंदा जब भी कुछ सही बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके मुंह से अचानक कुछ गलत निकल जाता है। अब आप ये वीडियो देखें। फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला
हम सब की आसानियां दूर करे, लेकिन अब आप शहबाज शरीफ साहब की ये वीडियो देखिए जिसमें वो इमरान खान साहब को थोड़ा गुस्से में धमकी दे रहे हैं। इमरान न्याजी भगोड़े तुम हो गए, न्याजी भगोड़े तुम हो गए। अब जिस बंदे ने इस वीडियो की एडिटिंग की है ना, मैं कहता हूँ उस बंदे ने कमाल कर दिया। मियां साहब को भी अमेरिका से धमकियां आती थी, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से मियां साहब कंपनी का मैसेज समझकर डिलीट कर देते थे। अब आप शहबाज शरीफ साहब की ये वीडियो देखिए जिसमें वो एक जलसे में एक नगमा गा रहे हैं और इतना जोर लगा रहे हैं, यकीन करें इतना जोर तो एक बच्चा टट्टी निकालने में भी नहीं लगाता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं, चार घर दे तुम